श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत धनायचा के ग्रामीणों ने कहा कि आवास में पात्र होकर भी सचिव ने रंजिश के चलते अपात्र कर दिया। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत धनायचा गांव हासलपुर गांव के ग्रामीण हनुमान पुत्र नाथू ने बताया कि कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को दिए अपने ज्ञापन में बताया कि पूर्व में आवास की पात्रता सूची में उसका नाम अंकित था, लेकिन प्रार्थी गण सचिव रामप्रसाद प्रजापति व लक्ष्मी नारायण सहायक सचिव से कामों की कमी को लेकर की गई शिकायत पर विवाद चल रहा है। इसकी रिट पिटीशन प्रार्थी गण के द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में की गई है। इस पर उन्हें दोषी पाते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया था, जिस पर लक्ष्मी नारायण सहायक सचिव के द्वारा उसके भाई मक्खन प्रार्थी गण के नाम पर पात्रता सूची से हटाकर अपात्र बताए गए, जबकि प्रार्थी आवास में टी शर्ट डालकर रहने को मजबूर हैं। इतनी कमजोर नहीं बना सकते, अब तो लोगों के द्वारा प्रार्थी गण के नाम पात्रता सूची से हटाए गए हैं, जिसकी जांच किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ग्रामीण हनुमान पुत्र नाथूलाल बैरागी ने बताया कि सचिव सहायक लक्ष्मी नारायण प्रजापति पर धारा 92 की कार्रवाई भी प्रस्तावित है, वित्ताधिकार भी उन्हीं के पास है। लक्ष्मी नारायण के द्वारा सर्व के दौरान जिन लोगों के द्वारा पैसे दिए गए उनके नाम पात्रता सूची में रखे गए हैं, जो अत्यंत गरीब हैं और पैसे देने में असमर्थ रहे हैं उन लोगों के नाम पात्रता सूची से हटाए जा रहे हैं और उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। ऐसे में ग्रामीण हनुमान ने कलेक्टर शिवम वर्मा से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जांच कर न्याय दिलाया जाए। मैं धराचे पंचायत से आया हूँ। मामला ये है कि पहले जो आवास सूची में हमारे नाम अंकित थे, अब जो दोबारा जो सर्वे करिए वो क्या नाम से लक्ष्मी नारायण और इसका एक भाई के माखन नाम का, इन्होंने क्या नाम से जो आवास सूची में से हम अपात्र बना दिए, और जबकि हमारे पास में अभी तक कोई पक्का मकान नहीं है। अपना समय टीन डाल करके पास कर रहे हैं, मौके पर जानकारी ली जाए। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों पे क्या नाम से धारा 92 है लक्ष्मी नारायण पे धनाजे पंचायत में, फिर भी उसको कलेक्टर साहब ने दो वित्त कर दे रखे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी पेश है इसके खिलाफ में, फिर भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। और हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पीठ ने क्या नाम से ग्वालियर खंड ने इनको दोषी बताया गया और अब भी प्रकरण चल रहा है हमारा डीवी में, जिसमें कलेक्टर साहब और राजेश शुक्ला जलाशयो तो बिल्कुल ही भ्रष्ट है। जितना ड्रामाबाजी करवा रहा है वो राजेश शुक्ला जलाशयो करवा रहा। हम हाईकोर्ट से ऑर्डर ला रहे डबल ब्रांच डीबी कर, फिर भी उनको मतलब ये चढ़ के आराम से दो तो वित्त अधिकार दे रहा है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा, मगर हाईकोर्ट से एफआईआर की कार्रवाई अब चल रही है लोगों पे। आगे देखो क्या होता है, सीमा इसी पे चल रही है। एफआईआर दर्ज हुई फिर तो इनको करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा पुलिस के लिए, फिर गिरफ्तार मैं करवाऊंगा स्वयं इनको। किस तरह का मामला आज आप कलेक्ट्रेट में लेकर के आए? हम मामला ये लेकर आए सर, उस रंजित से हमारे मतलब आवास सूची में से नाम हटा दिए गए इन लोगों ने। जो वो मामला चल रहा है ना, उसकी रंजिश रखते हुए तो आवास सूची में हमको जोड़ा जाए और मौके पर जांच की जाए। और इन लोगों के पूरे परिवार के नाम से पक्के मकान हैं, मोटरसाइकिल है, पूरा में आवास दो दो मिल चुके हैं उनके, फिर पूरे परिवार के नाम सेक्रेटरी के और फर्जी मार्कशीट से मतलब ये नौकरी कर रहे हैं, जो क्या नाम से इसकी घरवाली है जो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है, क्या नाम से उम्मीदी भाई जो क्या नाम से उसमें डो करके मैं कार्य करता, तमाम फर्जीवाड़ा चल रहा है। धनाची पंचायत में आदिवासी गोकुल ग्राम ट्राइबल क्षेत्र है और जंगली इलाका लगा हुआ है, धरातल पर कोई निर्माण नहीं है। मैंने ये जिला सीओ साहब गए और डिप्टी कमिश्नर साहब आई क्या नाम से जांच करने के लिए, जरा सी हल्की सी जांच करवाई क्या नाम से छोटे सहरा नामली के में, जिसमें क्या नाम से चार निर्माण अधूरे पाए गए जिन पर धारा 92 में प्रचलित आज भी हुई है। अगर अंदर जाकर देखी जावे मतलब यहाँ 36 किलोमीटर बांकचा लगता है इसी पंचायत में, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है देखने को, तमाम राशि उहारण की गई है। आप इस सारे मामले की एक शपथ राशि फिर शपथ पत्र में करवा कर दे सकते हैं आप? सर पूरी रीट बीटेशन लगा दी मैंने। धन्यवाद।